अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने बीज जो छोड़ गए वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंकुरित हो गया है। मैं किसी भी पार्टी में हूँ लेकिन सच्चा सनातनी हूँ, उस वंश में पैदा हुआ हूँ। हम जब हक मांगते हैं तो आंदोलनकारी और खालिस्तानी बन जाते हैं, ना तो हम बटेंगे और ना ही हम कटेंगे, एकजुट थे एकजुट रहेंगे। कोई हिंदू की बात करता हो तो हम उस खानदान में पैदा हुए जिन्होंने पीढ़ियां खपाई हैं सनातन के लिए। हम महाराजा सूरजमल के वंशज हैं। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कहावत कही जाती है मूछ रही तो कुछ नहीं। पहले रामगढ़ के अंदर एक मूछ वाले नेता हुआ करते थे ज्ञानदेव आहूजा, अभी वो घर में विश्राम कर रहे हैं। हमारे भरतपुर और धौलपुर के जो जाट है वो ओबीसी में जुड़ने के लिए बहुत दिनों से मांग रहे, और आपने भी गंगा जल का एक अभियान चलाया था, उसको किस तरह से पूरा करोगे अब आप? ऐसा है, हमारे भरतपुर धौलपुर के जाटों की हक और अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हमने दे भी दिया। यहाँ भी हम आए हैं अलवर में, रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, जाट चाहे पाकिस्तान का क्यों ना हो, गोत्र अलग हो सकते हैं, काम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी समाज की बिरादरी की इच्छा तो एक है, नातेदारी रिश्तेदारी के संबंध है। इनसे भी हम यही गुहार करने आए हैं कि हमारी शर्म में साझी हों, हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें और वोट की चोट से इन भ्रष्टाचारियों को जवाब दें। इसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं और हमारे समाज के यहाँ पर 20-22 हज़ार वोट हैं, घर घर जाकर उनसे अपना दुख रोएंगे, कितना वो समझते हैं। भाई सब कुछ अलग हो सकता है लेकिन हमारा जो शर्म है वो बिरादरी की एक है, एक रहेगी। सरकार खूब जोड़ तोड़ करने का काम करती है लेकिन वो कहावत है बटेंगे तो कटेंगे, ना तो हम बटेंगे और ना ही हम कटेंगे, एकजुट थे एकजुट रहेंगे। बटेंगे कटेंगे ये जो नारा दिया ये योगी आदित्यनाथ जी ने दिया और उसके बाद से अब ये नारा कांग्रेस के भी लोग दे रहे हैं। देखिए आप मेरे बात सुनो, कोई हिंदू की बात करता हो तो हम उस खानदान में पैदा हुए जिन्होंने पीढ़ियां खपाई हैं सनातन के लिए। हम महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, वीर गोखला से लेके राजा राम से लेके ठाकुर चूड़ामन तक चले जाओ। आज जो हिंदू हिंदू की बात करते भगवा की बात करते हैं, केवल वोट की राजनीति के भगवा और गाय और धर्म का प्रचार करना, इनके कूचड़ खाने इनके चल रहे, इनके दरवाजे पर किसी का गाय की पूछ भी हो हमें बता दे। मैं किसी भी पार्टी में हूँ लेकिन सच्चा सनातनी हूँ, उस वंश में पैदा हुआ हूँ। हम जब हक मांगते हैं तो आंदोलनकारी और खालिस्तानी बन जाते हैं, जब हमारी जरूरत पड़ती है तो हिंदू धर्म की दुहाई दिया जाता है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, दूसरी तरफ जातिवाद का जहर घोलने का काम, जातियों में बांटने का काम, हरियाणा में जाटों के खिलाफ 35 जातियों को एक करने का काम किया, हर जगह जाति जाति को लड़ाना, भाई से भाई को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने बीज जो छोड़ गए वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंकुरित हो गया है, वो काम जो कर रहे हैं लेकिन जनता इनको जवाब दी। जी एक सवाल और पूछूंगा, यहाँ लव जिहाद और टटलूबाजी इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, रोज अखबार में पढ़ते हैं हम, आप भी पढ़ते होंगे, ये चीजें चलती है यहाँ पे। देखिए ऐसा है, अपराध और अपराधी, अपराधी की ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, अपराधी कोई हो सकता है लेकिन वोट के टाइम पे ये सारी चीजें याद आती है। मैं कहता हूँ मेवात में ठगी का कारोबार चलता है और 200-250 मकानों पर नोटिस लगाए मकान तोड़ने के, एक मकान के 4 खंभे टूटे और दूसरे दिन पीछे के पैसे पहुंच गए, क्यों नहीं तोड़े, तोड़ देते अपराधी तो। ये केवल एक हफ्ता वसूली का काम है, जनता को लूटने का काम है, अपराधियों का तो इलाज ही नहीं कर सकते ये। मैं अपराध के खिलाफ हूँ, अपराधी के खिलाफ हूँ, लेकिन किसी इज्जतदार आदमी की लूट हो, किसी इज्जतदार आदमी को परेशान किया जाए, अपराधी किसी भी जाति में पैदा हो सकता है, भला आदमी किसी भी जाति में हो सकता है, इंसान और शैतान कहीं भी पैदा हो जाते हैं, जो इंसान के काम आए उसे इंसान कहते हैं, बैठे को सताए उसे हैवान कहते हैं। सीएम भजनलाल का जो शासनकाल रहा लगभग 11 माह हो चुका है, किस तरह आप आंकते हैं? आप पत्रकार हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है, आप अच्छी तरह देख रहे हो ना रोजाना कितने काम हो रहे हैं। तो आप काम कर रहे हो ना, हम आपकी तो आवाज़ सुना रहे हैं। नहीं, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य की बात कर रहा हूँ, जो जनता की आवाज़ है। आप बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, आज फसल के लिए सिंचाई की जरूरत है ट्रांसफार्मर नहीं, किसान को बिजली के कनेक्शन का सामान नहीं मिल रहा,
खाद में लाइन इतनी लंबी लग रही, ब्लैक काला बाजारी हो जा रही है। हमें कोई ये फ्लैट बना के थोड़ी देगी सरकार। हमें क्या चाहिए? बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें खाद चाहिए, उचित बीज चाहिए, उचित रेट चाहिए। बाजरे की रेट नहीं, कपास की रेट नहीं, तो और सरकार क्या कोई पट्टे बना के देगी? हमें फ्लैट बना के देगी, क्या देगी सरकार? राजस्थान के अंदर युवाओं की एक मांग थी कि राजस्थानी भाषा है उसको राजभाषा घोषित किया जाए, लेकिन उसके अंदर मुख्य रूप से मारवाड़ी भाषा है। हम ब्रजवाटी को भी छोड़ देते हैं, मेवाती को भी छोड़ देते हैं, क्यों उनकी बात नहीं की जा रही? राजस्थान की जो राज्य भाषा है वो मेवाती या ब्रजवाटी मारवाड़ी क्यों नहीं हो सकती, मेवाड़ी क्यों नहीं हो सकती? देखिए, एक ब्रजभाषा हो जाए, ब्रजभाषा को मारवाड़ का आदमी नहीं समझेगा, मारवाड़ी भाषा हो जाए। अभी तो हम नहीं जानते, हमारे बच्चे जानेंगे नहीं, बच्चों के बच्चे जब तक सीखेंगे तब तक हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं को राज्य स्तर पर लागू करना न्याय संगत नहीं। नहीं, आप इसका विरोध करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर जो संकट आया हुआ है, आजकल मेवाती लोग बोल नहीं पाते हैं, ब्रजवाटी बोल नहीं पाते हैं, मारवाड़ी नहीं बोल पाते हैं, मेवाड़ी नहीं बोल पाते हैं, तो ऐसे इन जो भाषाएं हैं ये इनको संरक्षण कैसे दिया जा सकता है? क्षेत्रीय भाषाओं के क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन ब्रजभाषा का आगे, तो मेवात के आगे मारवाड़ का ही जनरल नॉलेज और किस लिए होती है? एक कॉमन भाषा अलग होती है, क्षेत्रीय भाषाओं के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सब भाषाओं के होने चाहिए, जिससे सब लोग पढ़ेंगे तो उस भाषाओं का ज्ञान होगा सबको। तो दोस्तों, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये थे मेरे साथ नेमी सिंह फौजदार, जो कि भरतपुर से बिलोंग करते हैं, और खुलकर इन्होंने अपनी बात रखी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।